गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू टीच क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। सब टॉपिक इज पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, हाउ डू दिस सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स, व्हाट डज पॉलिटिक्स ड्यू टू दिस सोशल डिवीजन्स। एट फर्स्ट साइट इट वुड अपियर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव। Democracy involves competition among various political parties. Their competition tends to divide any society. If they start competing in terms of some existing social division, it can make social division into political division and lead to conflict, violence or even disintegration of a country. This has happened in many countries. हम देखते हैं कि social division जो होते हैं किसी भी देश में, वो caste, creed और उनका जो पॉलिटिकल लाइफ होता है, उनका जो सिचुएशन होता है, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उस बेसिस पे लोग बढ़ते हैं आपस में। तो ये सोशल डिवीजन जो होता है उसमें कंट्री में जो गवर्नमेंट होते हैं वो सिचुएशन को समझते हुए उसमें कुछ प्रोविजन करते हैं ताकि सबको एक धारा में लाया जा सके, सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकारें प्रयास करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी एक खास तरह के सोसाइटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उसका फेवर करने लगते हैं। ऐसा फेवर करने से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग इश्यूज को लेकर फेवर करने लगते हैं। इस तरीके से पॉलिटिकल डिवीजन हो जाता है। पॉलिटिकल डिवीजन ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो देश विस्फोटक स्थिति में चला जाएगा, देश में वायलेंस होगी और देश के टूटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। Range of outcomes. Take the case of Northern Ireland that we refer to above. हम लोग उत्तरी आयरलैंड के बारे में थोड़ा जाने। This region of the United Kingdom has been for many years. बहुत सालों तक ये United Kingdom का हिस्सा रहा था। A violent and bitter ethno-political conflict. वहां भी बहुत तरह का हिंसा हुआ, उसके बहुत कड़वे अनुभव है हमारे पास। Its population is divided into two major sect of Christianity. वहां क्रिश्चियनिटी ही थे जो है दोनों पार्ट में, लेकिन उसमें 53% जो थे प्रोटेस्टेंट थे और 44% जो थे वो रोमन कैथोलिक थे। The Catholics were represented by nationalist party. जो कैथोलिक लोग थे उनका प्रतिनिधित्व जो है नेशनलिस्ट पार्टियां कर रही थी। Who demanded that नॉर्दर्न आयरलैंड भी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। कहा कि जो है ये जो आपको आयरलैंड है नॉर्दर्न आयरलैंड, उसको रिपब्लिकन आयरलैंड में शामिल कर लिया जाए, कैथोलिक कंट्री, क्योंकि जो आपको आयरलैंड था रिपब्लिकन आयरलैंड वो एक कैथोलिक देश था, ए प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री। द प्रोटेस्टेंट वेयर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट who wanted to remain the UK. लेकिन प्रोटेस्टेंट जो थे उन क्रिश्चियन, उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो पार्टियां थी वो थी यूनियनिस्ट पार्टी, जो ये चाहते थे कि उनको यूके में यूनाइटेड किंगडम में शामिल कराया जाए, which is predominantly Protestant. Hundreds of civilians, militant and security forces were killed in the fight between unionist and nationalist and between the Security forces of the UK and the nationalist. It was only in 1998. ये 1998 की घटना ऐसा देखा जाता है कि यूनियनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी जो एक अलग अलग सेक्ट का रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये दोनों आपस में लड़ने लग गए। दैट द यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट रिच्ड ए पीस ट्रीटी। फिर दोनों के बीच ये बात हुई कि देश को आखिर टूटने से बचाना है तो हमें कोई जो है शांति का पहल करना पड़ेगा। आफ्टर विच द लेटर सस्पेंडेड दियर आर्म्ड स्ट्रगल। ये जो हथियारों की जो लड़ाई हो रही थी उसको रोकने की कोशिश की गई। इन यूगोस्लाविया द स्टोरी डिड नॉट हैव ए हैप्पी एंडिंग। जो चीजें आयरलैंड के साथ हुई ये चीजें यूगोस्लाविया के साथ नहीं हुई। यूगोस्लाविया का अंत बहुत बुरा हुआ। पॉलिटिकल कंपटीशन अलॉन्ग रीजनल एंडिंग एथनिक लाइन्स डिड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्री। यूगोस्लाविया टूट करके 6 देशों में बट गया। सच एग्जाम्पल लीड सम पीपल टू कंक्लूड दैट पॉलिटिक्स
एंड सोशल डिविजन मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स दे थिंक इट वुड बी बेस्ट ऑफ देयर आर नो सोशल डिविजन इन एनी कंट्री। तो हमें पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन इसको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो देश जो है खतरे में चला जाएगा। इफ सोशल डिविजन डू एग्जिस्ट इन ए कंट्री, किसी भी देश में सोशल डिविजन तो होता ही है, क्योंकि कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं, और अनटचेबिलिटी ये सब चीजें तो देश में होता ही है। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल डिविजन नहीं होना चाहिए। दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर्स। वी हैव ऑलरेडी सीन द सोशल डिविजन ऑफ वन काइंड ऑफ अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वट एवर द एग्जिस्ट दिस डिविजन आर रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी, इट इज ओनली नेचुरल दैट पॉलिटिकल पार्टीज वुड टॉक अबाउट दिस डिविजन, मेक डिविजन प्रोमिसेस टू डिफरेंट कम्युनिटी, लुक आफ्टर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटी एंड मेक पॉलिटिक्स टू रिड्रेस द ग्रीवांसेस ऑफ द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। इससे देश को लाभ नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है। सम डिविजन अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्री, कहीं कहीं तो ये सोशल डिविजन के लिए मतदान तक की नौबत पड़ गई। पीपुल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रीफर सम पार्टी मोर देन अदर्स, कुछ ऐसे कम्युनिटी होते हैं जो कुछ पार्टियों को ज्यादा पसंद करते हैं। इन मेनी कंट्री देयर आर पार्टी दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां लोग एक ही कम्युनिटी को पसंद करते हैं। येट ऑल दिस डजंट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, इससे देश में विभाजन नहीं होता, क्योंकि लोगों का च्वाइसेज है कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करें, जिसकी पॉलिसी में बिलीव करें, वो उसको अपना वोट कास्ट करें। थ्री डिटरमिनेंट्स, दिस फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन। फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम डिपेंड ऑन हाउ पीपुल perceive their identity. If people see their identity in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate. As long as people in Northern Ireland show themselves as only Catholic or Protestant, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो है आपको नीदरलैंड में भी आपको तो दोनों थे, कैथोलिक भी थे प्रोटेस्टेंट भी थे, लेकिन वहां इस तरह की बातें क्यों हुई? Their differences were difficult to reconcile, it is much easier to the people see that they are identify the multiple and are complementary with the national identity. लेकिन हम लोग नीदरलैंड में ये देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट और जो आपको कैथोलिक थे, दोनों का जो है सो कंडीशन ठीक था, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, इस कारण वहाँ किसी तरह की इस तरह की हिंसा नहीं हुई और वहाँ लगभग म्यूचुअली दोनों जो है अच्छे से रहे। तो इस तरह से हमने आज सोशल डिविजन और जो है पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में जाना है, और हमने दो इंसिडेंट लिया, एक नीदरलैंड का और एक आयरलैंड का। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू टीच क्लास फोर मैथ एक्सरसाइज 5.3। चिल्ड्रेन, आज मैं इसमें से आपको ऑल द फैक्टर्स निकालना बताता हूं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18, क्या है आपको 18, इसका फैक्टर निकालिए। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18, यानी देखिए कोई भी जो है नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है और वो खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और से, तो 1 से तो हो गए, 2 के टेबल में 18 आता है 2 9 18, 3 के टेबल में आता है 3 6 18,
फोर के टेबल में नहीं आता, फाइव के टेबल में नहीं, लेकिन फिर देखिए सिक्स के टेबल में आ जाता है, सेवन के टेबल में नहीं आता है, एट के टेबल में, फिर नाइन के टेबल में आ जाता है। नाइन के बाद देख लीजिए टेन इलेवन ट्वेल्व, यानी अब डायरेक्ट आपको एटीन के टेबल में ही आएंगे। तो इस तरीके से यानी कोई भी नंबर किस किस टेबल से डिवाइड है, इससे को हम लोग ऑल द फैक्टर्स कहते हैं। वन और नंबर जो है शेल्फ 18, और वन कंपल्सरी वो तो होगा ही, उस बिटवीन में और कौन कौन से नंबर से वो डिवाइड होंगे ये आपको चेक करना होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन थर्ड है 48, आप देख लीजिए। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48, वन से तो होंगे ही, टू से भी होंगे, थ्री से भी हो जाएंगे, फोर से भी ये कट जाते हैं, फाइव से नहीं लेकिन सिक्स से तो होंगे, सेवन से नहीं एट से होंगे, नाइन टेन इलेवन नहीं, फिर ये ट्वेल्व से हो जाएंगे, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो नहीं लेकिन सिक्सटीन, फिर ये आपको ट्वेंटी फोर से, और फिर ये 48 से। तो हमें यही बस चेक करना होता है कि आखिर ये किस किस टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। इसी बेसिस पे इसका हम ऑल द फैक्टर निकालते हैं। ये सब बहुत ही आसान है, ऐसे समझाना ऐसे समझना कोई मुश्किल नहीं है। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 का भी कुछ क्वेश्चंस देख लें। एक्सरसाइज 5.4 इसमें ये पूछा जा रहा है इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर, इज द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर। तो अभी आप इस चीज को जरा देखेंगे कि ये 56 है और ये क्या है 8 है। इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है 56, सेकेंड नंबर क्या है 8, क्या ये 8 के टेबल में 56 आता है? 8 का टेबल आप पढ़े आपको पता चलेगा 87 जब 56 होते हैं तो ये क्या होगा, यस 8 इज द 56 इज द डिविजिबल बाय 8। अब इसी में सेकेंड है 41 और ये 6, क्या 6 के टेबल में 41 आते हैं? आप पूरा टेबल पढ़ेंगे कहीं भी ये 41 नहीं आएगा, तो यानी फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर। तो आप लोगों को ये दो चैप्टर तो कुछ थे ही नहीं, अब इसमें मैं एक और चीज इसमें बता रहा हूं उसे भी आप समझ ही लेंगे। ये पूछा जा रहा है कि 24 यहाँ लिखा हुआ है 24, अब पूछा जा रहा है इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, जो फैक्टर होंगे आपको उन्हें इनसर्कल करना होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अभी आप ये देख के बताएं कि 24 वन तो होना ही है, होगा ही, वन टू भी हो जाएगा और थ्री भी हो जाएगा, क्या फाइव के टेबल में 24 आते हैं? नहीं आते हैं, सिक्स तो आते हैं, सिक्स फोर या 24, सेवन के टेबल में नहीं आते लेकिन एट के टेबल में आ जाते हैं। तो आपको ये पता चला ना कि कौन कौन सा 24 का फैक्टर है, तो वन फैक्टर है, टू फैक्टर है, थ्री फोर सिक्स और ये 8। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर को समझ पाए। अब हम इसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा जान लें, व्हाट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर ए नंबर व्हिच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, नंबर्स इटसेल्फ आइदर वन
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 की बात करेंगे तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2, यानी नंबर खुद 2 हो गए और 1 हो गया। 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3। 5 का फैक्टर 1 और 5। ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। उसमें नंबर खुद आता है और 1 आता है। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया। अब आप कंपोजिट नंबर के बारे में भी थोड़ा जान लें। कंपोजिट नंबर ए नंबर विच हैज more than two factors are called composite number। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब जैसे कि 4 है, 4 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4, तो 2 से ज्यादा हो गए 6, 1, 6 से 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से 6 से, यानी 4 फैक्टर हो गए। 8, 1, 2, 4, 8, तो आप समझ लेंगे कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उन्हें आप कंपोजिट नंबर में रखेंगे। तो इसमें आपको इस तरह के से 3 चैप्टर एक्सरसाइज 5.3, 5.4 और 5.5 ये थ्योरी बेस पे है। और एक याद बच्ची याद रखेंगे, नोट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। इस तरह से एक्सरसाइज यूनिट आपको ये 5 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।